नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा 8 आज फरीथी आपणे पाठ 3 एनी चर्चा करता था, तो हवे पाठ 3 एनी चर्चा करीशुं। पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की आगे की जानकारी हम लेते हैं। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से, कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहल कदमी की पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 19 घंटे 17 मिनट स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्रा बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए। जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि, अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, बारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिक्स साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिल जुलकर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सफलता वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन में 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि
यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यहाँ इस पूरे पाठ में अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स ने जो जो अंतरिक्ष में उस जाने के लिए जो तैयारी की थी यह सब यहाँ पर बताई हुई है। उन्होंने नारी का सम्मान किया है, वह खुद नारी होकर वह इस मुकाम पर पहुँची थी, तो एक नारी स्त्री शक्ति के लिए एक उदाहरण रूप है। यहाँ पर उनका शब्दार्थ भी है, शान तो गौरव, परीक्षण तो जांचना, अंतरिक्ष तो अवकाश, आकाश बुलंदी ऊंचाई, दिवा स्वप्न दिन में दिखाई देना देने वाला स्वप्न, मैसाचुसेट्स अमेरिका एक राज्य है, न्यूरोसर्जन जो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, स्नातक कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, परास्नातक स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, चहेती प्यारी लाडली MS मास्टर ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा में पारंगत, प्रशिक्षण यानी तालीम, चयन पसंद, दिक्कत मुश्किल तकलीफ, मुहावरे परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना, यादें ताजा होना, बातें याद आना, एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना, भयावह चीजों से पाला पड़ना, सर ऊंचा होना, गर्व होना। तो यहाँ पे जो मुहावरे हैं वह हमको अच्छी तरह तैयार करने हैं, वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो आपको इस पाठ की अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, उसके बाद इनके उत्तर आपको देने हैं। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है, कड़ी मेहनत दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्तित्व अपनी व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों। तो आपको यह अभ्यास लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्वाध्याय है तो उनका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको अभ्यास अच्छी तरह लिखना है।